नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको घुटनों के दर्द में फायदेमंद मेथी के बीज किस तरह होते हैं आपको हम इसमें बताने वाले हैं। और आजकल की आम समस्या हो गई है, चाहे वो युवक हो चाहे वो बुजुर्ग हो, घुटनों के दर्द की समस्या बहुत ही ज्यादा नियमित आम हो गई है। हर तीसरा बंदा इस पीढ़ी से इस दिक्कत से बीमार है, परेशान है। आजकल की अनियमित जीवन शैली और खान पान की गलत आदतों के कारण ऐसी बहुत सी बीमारियां बचपन और युवावस्था में ही लोगों को प्रभावित कर रही हैं, जिन्हें आमतौर पर बूढ़ों की बीमारी माना जाता था। इन्हीं बीमारियों से एक है घुटनों का दर्द। घुटनों के दर्द के कई कारण हो सकते हैं। कई बार मांसपेशियों में खिंचाव के कारण या हड्डियों के कमजोर होने के कारण भी इस तरह के दर्द हो सकते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द होने पर ज्यादातर लोग दर्द की दवाएं खाकर इससे तुरंत निजात पा लेते हैं, मगर इन दवाओं का उन लोगों के शरीर पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इससे वे अनजान होते हैं। इसलिए अगर दवा लेना जरूरी है तो बिना चिकित्सक की सलाह के दवा ना लें। कुछ घरेलू आसान नुस्खों के द्वारा भी घुटनों का और जोड़ों का इलाज हम कर सकते हैं। तो मेथी के गुणों के बारे में हम पहले जानते हैं कि ये किस तरह से हमारे घुटनों के दर्द के लिए लाभकारी होता है। घुटनों के दर्द में मेथी के बीज का प्रयोग बहुत कारगर होता है। मेथी के दानों का प्रयोग ज्यादातर सब्जियों और कई तरह के अन्य फूड्स में तड़का लगाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा मेथी की खिचड़ी भी बहुत स्वादिष्ट और सुपाच्य होती है। मेथी में कई ऐसे गुण होते हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मेथी के दानों में एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं। मेथी तमाम एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। एंटी इंफ्लामेटरी गुणों के कारण मेथी दर्द और सूजन को दूर करने के लिए कारगर है, प्राकृतिक और हानि रहित उपाय है। मेथी के दानों में पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट नामक एक यौगिक पाया जाता है, जिससे मुख्य रूप से लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड शामिल है। इसलिए दानों के सेवन से घुटने और हड्डियों के दर्द में राहत मिलती है। इसके अलावा दानों से बने लड्डू और खिचड़ी को डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। मेथी के दानों से लीवर सुरक्षित रहता है। आइए हम जानते हैं कि इन मेथी के दानों का उपयोग कैसे करना है, कैसे हमारे घुटनों के दर्द में लाभकारी है। जोड़ों के दर्द में राहत के लिए मेथी एक अच्छा उपाय माना जाता है। यह गठिया से पीड़ित लोगों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद है। इसके लिए रोजाना 1 चम्मच मेथी को गुनगुने पानी के साथ ले लें, लेकिन ध्यान रहे इसकी प्रवृत्ति गर्म होने के कारण बवासीर की समस्या से ग्रस्त लोगों को इसकी आधा चम्मच रात को पानी में भिगोने के बाद सुबह लेनी चाहिए। इसके अलावा बदलते मौसम में जोड़ों में असहनीय दर्द होता है, इस दर्द से मसाज थेरेपी बहुत आराम पहुंचाती है। इसे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर और जलन दूर होती है। अगर नियमित रूप से मसाज की जाए तो जोड़ों का दर्द कम हो जाता है। मसाज के लिए आप गर्म नारियल, सरसों या जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मेथी के दानों के इन प्रयोगों से भी घुटनों को दर्द में राहत मिल जाती है। मेथी के बीज को उबालकर आप इसमें नींबू और शहद मिलाकर चाय की तरह पी सकते हैं। मेथी के सूखे बीजों को भूनकर उन्हें पीसें और एक अच्छा पाउडर बनाएं। आप इन्हें करी डोज, सब्जियां और सूप जैसी चीजें में मिलाकर खा सकते हैं। मेथी के दानों को पानी में अंकुर निकलने तक भिगोएं और सुबह इसे पानी के साथ ही खा जाएं। अंकुरित मेथी के बीजों को अपने सलाद में मिलाएं। अन्य उपाय, घुटनों के दर्द को सही करने के अन्य उपाय के बारे में बात कर रहे हैं हम। सेंधा नमक, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं, सेंधा नमक से स्नान त्वचा के माध्यम से मैग्नीशियम के अवशोषण को आसान बनाता है और जोड़ों का दर्द अक्सर मैग्नीशियम के निम्न स्तर के साथ जुड़ा होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम कोशिकाओं में सूजन और डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद करता है। इसके लिए गुनगुने पानी की बाल्टी में 2 कप सेंधा नमक मिला लें, फिर इसमें दर्द वाले अंग को लगभग 20 मिनट के लिए डुबो। जोड़ों से दर्द से राहत पाने के लिए आराम आने तक 1 सप्ताह में 3 बार इसका उपयोग दोहराएं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचेंगे सबसे पहले। धन्यवाद।